डियर स्टूडेंट्स, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं? एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। तो ये ड्रग्स क्या होती हैं? एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल। अब ये नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एंटी यानी और बैक्टीरियल, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो काम करे, और एंटीफंगल जो फंगस के अगेंस्ट काम करे। ठीक है, तो एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आइदर प्रिवेंट द ग्रोथ और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फंगस। ये वो दवाइयाँ होती हैं जो क्या करती हैं, अगर हमें कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए या फंगल इन्फेक्शन हो जाए, उसको या तो कम्प्लीटली ख़त्म कर देती हैं, या फिर उन बैक्टीरिया और फंगस जिनकी वजह से हमें वो बीमारी हुई है उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। तो ये होती हैं हमारी एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल मेडिसिंस। ठीक है, अब इसमें हम कौन सी दवाइयों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तब तो सबसे पहले है आपके यहाँ सिलेबस में सल्फोन एमाइड, जिसको हम सल्फेनिल एमाइड भी बोल देते हैं। तो सल्फोन एमाइड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर वाइडली यूज एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल एजेंट्स। तो जो सल्फोन एमाइड कंपाउंड है और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हम एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल एजेंट्स की तरह यूज करते हैं। दीज कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज सल्फा ड्रग्स। ये बहुत कॉमन नाम है इनका, सल्फोन एमाइड और इसके डेरिवेटिव्स को हम सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं। तो सल्फा ड्रग्स क्या होती है, ऐसे भी जैसे MCQs आएंगे आपके, तो उसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है सल्फा ड्रग्स की, सल्फा ड्रग्स क्या होते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो चार ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम लिखे हुए हों, तो अगर सल्फोन एमाइड एंड इस डेरिवेटिव लिखा है तो आप वहाँ पर टिक कर सकते हैं। सल्फोन एमाइड इज द पेरेंट कंपाउंड ऑफ ऑल द सल्फा ड्रग्स। तो जितनी भी सल्फा ड्रग्स हैं उनका जो पेरेंट कंपाउंड है वो सल्फोन एमाइड है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि सल्फोन एमाइड और उसके डेरिवेटिव्स को हम सल्फा ड्रग्स बोलते थे, तो जो पेरेंट कंपाउंड है जिनसे मिलकर और सल्फोन एमाइड भी और उसके डेरिवेटिव्स भी, वो जो है सल्फा ड्रग्स कहलाते हैं। तो सल्फा ड्रग्स का जो पेरेंट कंपाउंड हुआ किनसे मिल, मतलब किससे उत्पत्ति हुई सल्फा ड्रग्स की, तो वो सल्फोन एमाइड हो गया। और इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें एनिलीन लेते हैं। एनिलीन हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग और उसमें एक NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एनिलीन का हम एसिटाइलेशन कराते हैं। एसिटाइलेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड से हम करा सकते हैं। और इसमें होता क्या है, यहाँ पर CH3COO और ये वाला एक एच एसिटिक एसिड बनाकर यहाँ निकल जाएगा, तो यहाँ पर जो निकलेगा साइड प्रोडक्ट की तरह वो एसिटिक एसिड जो है यहाँ से निकल जाता है। और बाकी क्या बचा, देखिए इस एसिटिक एनहाइड्राइड में से इतना पोर्शन अगर निकल गया और यहाँ से एक एच निकल गया, तो अब क्या बचा, CH3CO ग्रुप, और यहाँ क्या बचेगा, NH। तो ये जो COCH3 ग्रुप है यानी जो एसिटाइल ग्रुप है वो हमारा NH से जाकर लग जाएगा। तो जब ये NH से जाकर लगेगा ये कंपाउंड हमारा कहलाता है एसिड एनालाइड। ठीक है, अच्छा फिर हम क्या कराते हैं, इसकी इस एसिड एनालाइड की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोसल्फोनिक एसिड से। ये हमारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड है, इसको आप ClSO3H भी लिख सकते हैं, पर मैंने इसको इस तरह से लिखने का रीज़न है कि हमें यहाँ पर कंपाउंड में क्या चीज़ यहाँ जोड़नी है, बस उस इसलिए थोड़ा डिफरेंट करके लिखा ताकि याद करने में थोड़ा ईजी रहे। तो SO3HCl, ठीक है, ये आपका कंपाउंड हो गया क्लोरोसल्फोनिक एसिड। अब रिएक्शन क्या होगी एसिड एनालाइड में, जब ये कंपाउंड रिएक्ट करता है तो यहाँ वाली पोजीशन से यानी इसकी पैरा पोजीशन से, यहाँ पर एक एच तो है, देखिए हर पोजीशन पर कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो एच और यहाँ से ये OH वाटर बनाकर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो निकलेगा वो होगा वाटर, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, और जो ये SO2Cl ग्रुप है ये यहाँ जाकर जुड़ जाएगा। तो मैं पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ आपको, सिंपल आपको याद करने का तरीका कि कैसे आप याद कर सकते हैं, यहाँ से H और ये OH जो है वाटर बना के निकलेगा और SO2Cl यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम में जो है आपका, क्योंकि MCQs आएंगे, रिएक्शंस तो आने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि ये सब याद करेंगे आप रिएक्शंस को, लेकिन आपको ये जो, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसे निकल रहा है और कंपाउंड हमारा बन कैसे रहा है। फिर आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर याद करने में ईजी रहेगा, क्योंकि कंपाउंड का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। ठीक है, या स्ट्रक्चर दे रखा होगा, कंपाउंड का नाम पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये सब रिएक्शंस एक बार आपकी नजरों के सामने से निकल जाएंगी तो आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो अब इस कंपाउंड का क्या नाम हुआ, पैरा एन एसिटाइल सल्फेनिल क्लोराइड। अब इसको शॉर्ट में हम ASC बोल देते हैं, A फॉर एसिटाइल हो गया, सल्फेनिल S के लिए हो गया और C फॉर क्लोराइड हो गया।
देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा ग्रुप जो है वो सल्फेनिल क्लोराइड हो गया, इसके पैरा पोजीशन पर ये N है तो नाइट्रोजन हमने लिख दिया, और ये CH3CO एसिटाइल ग्रुप होता है, तो हम इसका नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पैरा N एसिटाइल सल्फेनिल क्लोराइड। अब फिर क्या होता है, इसके बाद इसकी रिएक्शन हम 40 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया के साथ कराते हैं, 10 to 15% अमोनिया ले लेते हैं। इस कंपाउंड की रिएक्शन इसके साथ कराने से होता क्या है, ये जो यहाँ से Cl है और NH3 का जो एक H है, वो H और Cl तो निकल जाते हैं, अब क्या बचेगा, NH2 ग्रुप बचेगा, वो NH2 ग्रुप इस SO2 से जाकर जुड़ जाता है। तो SO2 से जाकर सिर्फ NH2 ग्रुप जुड़ा, तो नाम में क्या चेंज हुआ, पैरा एन एसिटाइल तो वैसा ही रहेगा, सल्फेनिल तक वैसा ही रहेगा, और उसके बाद हम लिख देंगे इसको एमाइड। अब हम इस कंपाउंड की जो है माइल्ड हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, माइल्ड हाइड्रोलिसिस माने बहुत हल्की फुल्की हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस कराने से होगा क्या, हाइड्रोलिसिस कराने से, ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि जब भी NHCOCH3 ग्रुप होता है, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बॉन्ड की जो ब्रेकेज होती है वो यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, यहाँ H जुड़ जाता है और यहाँ पर OH जुड़ जाता है, तो जब यहाँ OH जुड़ जाएगा तो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड निकल जाएगा, और जब यहाँ H जुड़ेगा तो NH2 हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस हम वाटर मतलब प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड को, तो वाटर क्या हो, H2O, या हम उसको HOH लिख सकते हैं, तो H यहाँ जुड़ेगा और OH यहाँ जुड़ेगा, और ये कंपाउंड यहाँ से टूट जाएगा, तो ये NH2 बन जाएगा और ये एसिटिक एसिड, तो इसमें एसिटिक एसिड निकल जाता है, और फिर जो हमारा कंपाउंड बनता है उसको हम सल्फेनिल एमाइड या हम सल्फोन एमाइड बोल देते हैं। तो ये पेरेंट कंपाउंड है, ये कंपाउंड और इसके डेरिवेटिव्स, इसको हम सल्फा ड्रग्स बोल देते हैं, तो ये भी हम एज अ ड्रग यूज करते हैं, और कहाँ पर, जहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो हमारी बॉडी में या फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो ये वहाँ पर सल्फोन एमाइड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए आपको ना ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट्स हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सल्फोन एमाइड इज यूज्ड एज, और फिर चार ऑप्शन दे रखे होंगे, एंटी बैक्टीरियल दे रखा होगा, एंटी वायरल दे रखा होगा, तो कुछ इस तरह के ऑप्शन दे रखे होंगे जो कि हम पढ़ेंगे भी अभी धीरे धीरे करके, तो आपको ढूंढना होगा कि वो कौन सा एजेंट है। तो आप जब भी ये हेडिंग्स हैं उनके अंडर कौन कौन से कंपाउंड्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको याद होने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला सल्फोन एमाइड, मतलब एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल एजेंट, ये हमारा पहला था। अब हमारे पास दूसरी मेडिसिन जो हम पढ़ेंगे वो है सल्फा मिथॉक्साजोल। अब ये सल्फा मिथॉक्साजोल क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एस्टेनलाइड, जैसे हमने पहले एस्टेनलाइड बनाया था एनिलीन की हेल्प से, वैसे ही हम एस्टेनलाइड यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो एस्टेनलाइड लिया, फिर से हमने क्लोरोसल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराई, और हमारा ASC जो हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा, ये वाला कंपाउंड, ये इस कंपाउंड से यहाँ पर रिएक्शन जो है आगे चलेगी। तो ये पूरी रिएक्शन आप यहाँ से यहाँ तक एज इट इज भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम इस ASC की रिएक्शन हम कराएंगे एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से। इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की मैंने नंबरिंग भी कर रखी है, यहाँ पर ऑक्सीजन को नंबर 1 दिया है, नाइट्रोजन को 2, ये कार्बन 3, ये भी कार्बन 4 और ये 5। तो नाम क्या हो जाएगा, थर्ड पोजिशन पर क्योंकि एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये NH2 है जिसको मैंने थोड़ा खोल कर लिख दिया ताकि हम रिएक्शन को आगे समझ सकें। तो ये NH2 ग्रुप क्योंकि थर्ड पोजिशन पर है तो 3 एमिनो हो जाएगा। 5 पोजिशन पर एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 5 मिथाइल हो जाएगा, और ये जो पूरी रिंग है वो आइसोऑक्साजोल कहलाती, तो ये आइसोऑक्साजोल हो जाएगा। तो जब इस कंपाउंड की रिएक्शन इससे होगी तो होगा क्या, यहां पर ये वाला एच और यहां से ये Cl, ये HCl जो है यहां से निकल जाएगा, और जब यहां से HCl निकलेगा तो बस ये जो नाइट्रोजन NH है ये इस SO2 से जाकर जुड़ जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी रिंग, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो बचा NH से आगे, ये पूरा ये सब SO2 से जुड़ जाएगा, जो मैंने यहां पर दिखा रखा है, ये NH जुड़ गया और फिर ये पूरा का पूरा हमारा ये स्ट्रक्चर मैंने एज इट इज बना दिया। बस इस कंपाउंड की फिर से हम माइल्ड हाइड्रोलिसिस करा ले रहे हैं, और जब इस कंपाउंड की माइल्ड हाइड्रोलिसिस होगी फिर से यहीं पर होगा, ये यहाँ पर ब्रेकेज होगी, यहाँ OH जुड़ेगा और यहाँ पर H, ठीक है, ये NH2 बन जाएगा और एसिटिक एसिड जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो ये NH2 बना और हमारी जो कंपाउंड बन के आएगा सल्फा मिथॉक्साजोल, ठीक है। और इसी में हमारा जो थर्ड सल्फा ड्रग है या थर्ड जो हमारी एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल एजेंट है वो है सल्फा एसिटामाइड। अब ये सल्फा एसिटामाइड कैसे बनेगी, सल्फा एसिटामाइड हम सल्फोन एमाइड से ही बनाते हैं, जो अभी हमने अपने पहले पेज पर बनाया था, ये जो हमने बनाया था फाइनल सल्फोन एमाइड या सल्फेनिल एमाइड बोल देते हैं, यहाँ से हम इसकी रिएक्शन शुरू करेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सल्फा एसिटामाइड, तो ये यहाँ से हमने सल्फा जो सल्फोन एनिल एमाइड, सल्फा एनिल एमाइड लिया था या सल्फोन एमाइड जो हमने लिया उसका हमें सिर्फ एसिटाइलेशन कराना है। तो जब हम इसका एसिटाइलेशन कराएंगे
तो यहाँ पर भी NH2 और ये भी NH2, तो यहाँ से भी एक H निकलेगा और यहाँ से भी एक H निकलेगा। तो सबसे पहले अगर हम इस पे रिएक्शन करा रहे हैं तो वही होगा यहाँ पर CH3COO और ये वाला H, एसिटिक एसिड एक मोल निकलेगा और वहाँ पर उस NH से ये वाला COCH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पर जुड़ गया। और क्योंकि यहाँ पर भी NH2 है तो ऐसे ही एक H यहाँ से भी निकलेगा और वही CH3COO और H एसिटिक एसिड, यानी कि हम इसके 2 मोल्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे कोई बैलेंस करके मैंने रिएक्शन नहीं लिखी है, ये सिर्फ आपको समझाने का तरीका है। यहाँ पर हम लोगों को अब बैलेंस करके नहीं लिखनी होती है रिएक्शंस BSc में आके, ये सब इंटर लेवल तक हम लिखते थे। तो अब ये CH3COOH एसिटिक एसिड निकला और COCH3 ग्रुप इस NH से जाकर अब जुड़ गया। ठीक, तो हमारे पास क्या बना, इसका डाई एसिटाइल डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास 2 एसिटाइल ग्रुप जुड़ गए हैं तो इसलिए हम इसका नाम लिख सकते हैं कि डाई एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ सल्फेनिल एमाइड डेरिवेटिव, क्योंकि हम इसी से तो इसको बना रहे हैं तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो डाई एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ सल्फेनिल एमाइड, इसकी हम कराते हैं कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस। अब कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस से क्या मतलब है, अगर मैं यहां लिख देती कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या होता, क्योंकि यहां पर भी NSCOCH3 ग्रुप है और यहां पर भी NSCOCH3 ग्रुप है, तो क्या होता, यहां से ये ब्रेकेज हो जाती, ये एसिटिक एसिड निकल जाता है, NH का NH2 बन जाता है, बिल्कुल ऐसा ही। और यहां पर भी यही होता, ये OH एसिटिक एसिड यहां निकल जाता और H यहां जुड़ता तो SO2 NH2, तो वापस से हमें सल्फेनिल एमाइड मिल जाता, तो फिर हमें फायदा ही क्या होता। तो यहां पर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना कराकर कंट्रोल्ड या हम इसको पार्शियल हाइड्रोलिसिस, आंशिक हाइड्रोलिसिस कह सकते हैं, कंट्रोल वे में कराने का ये मतलब होगा खाली इसका ये वाला जो पोर्शन है सिर्फ वही हाइड्रोलाइज होगा, इस वाले पोर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पर कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस लिखा। तो कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस में यही होगा, यहाँ पर ब्रेकेज हो जाता है, यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ OH जुड़ेगा वाटर का और यहाँ पर H जुड़ेगा, तो ये NH2 में चेंज हो जाएगा और एसिटिक एसिड CH3COOH जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हमारे जो ये निकल के आई ड्रग सल्फा एसिटामाइड। सल्फा एसिटामाइड को हम जनरली UTI में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं। और आजकल ये जो है आइज इन्फेक्शन में भी, आंखों में भी अगर हमारा कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो हम वहाँ पर भी इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये थी सल्फा एस्टामाइड। तो ये 3 सल्फा ड्रग्स आपके यहाँ सिलेबस में थी जिनको हम पढ़ रहे हैं एज एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल एजेंट्स कौन से हैं, उनका नाम आपको ध्यान होना चाहिए और उनका स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। तो अगर आपको एक बार रिएक्शन एक बार आपके दिमाग में होगी तो आप आराम से इसका स्ट्रक्चर खुद से भी बना सकते हैं, तो इसलिए आपके लिए रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसमें ड्रग्स पढ़ने जा रहे हैं, अब हम इसमें जो दूसरा एजेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटीवायरल। अब एंटीवायरल जैसे कि नाम से ही लग रहा है, वायरस के अगेंस्ट काम करने वाली ड्रग्स वो हमारी एंटीवायरल एजेंट्स कहलाती हैं। तो एंटीवायरल एजेंट्स आर द ड्रग विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट और कंट्रोल ऑफ द वायरल इन्फेक्शन। तो अगर हमारे शरीर में कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट या उसके कंट्रोल के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। इसमें हमें सिर्फ एक ही मेडिसिन पढ़नी है, एसाइक्लोविर। अब ये एसाइक्लोविर का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, तो जैसे एग्जाम में आ सकता है कि एंटीवायरल एजेंट्स कौन से हैं, तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हो तो उसमें से 3 सल्फा ड्रग्स दे रखी हो और एक एसाइक्लोविर, तो आप एसाइक्लोविर पर राइट कर सकते हैं। अब ये एसाइक्लोविर किससे बनेगी, ये बनेगी इस कंपाउंड से। और अगर आपको ध्यान हो, अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो मैंने जो न्यूक्लिक एसिड वाली यूनिट पढ़ाई थी वहां पर आपको नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ाए थे, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स, और प्यूरीन्स भी एडिनिन और ग्वानीन थी, तो ये हमारी ग्वानीन है। आप चाहे अगर आपको याद नहीं है, वैसे आपका अब आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो सब यूनिट्स मैं करा चुकी हूँ, तो आप उसको याद करते हुए चलिए क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल आने ही वाले हैं, तो आपको याद होना चाहिए स्ट्रक्चर। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप जाकर न्यूक्लिक एसिड वाले वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो ये ग्वानीन का स्ट्रक्चर है, और ग्वानीन को हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम बोल देंगे 2 अमीनो, ये मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी कर रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सेकंड पोजीशन पर क्योंकि अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 अमीन, 6 पोजीशन पर हमारा कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और कीटो के लिए हम सफिक्स जो यूज़ करते हैं वो ओन यूज़ करते हैं, और हम इसको पूरे को प्यूरीन लिख सकते हैं क्योंकि प्यूरीन का ही जो है, प्यूरीन बेसिस में ही जो एग्जाम्पल है वो एडेनिन और ग्वानीन के हैं, तो 2 अमीनो प्यूरीन 6 ओन लिख सकते हैं, या हम इसको 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरीन भी लिख सकते हैं। 6 पर ऑक्सी, कीटो ग्रुप के लिए हम ऑक्सी वर्ड भी हम यूज कर लेते हैं, तो एज अ प्रिफिक्स हम इसको यूज करते हैं, तो 6 ऑक्सी प्यूरीन भी लिख सकते हैं, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरीन लिख सकते हैं, 2 अमीनो प्यूरीन 6 ओन लिख सकते हैं, या हम इसको ग्वानीन लिख सकते हैं। तो
तो एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि ए साइक्लोवेयर में की सिंथेसिस में हम कौन सा बेस यूज कर सकते हैं। तो वहां पर चार ऑप्शन दिए होंगे, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिन, कुछ भी दे सकते हैं वो लोग, थायमिन भी दे सकते हैं वहां पर। तो आप वहां पर जाकर ग्वानिन पर करेक्ट जो है अपना राइट लगा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ए साइक्लोवीर की सिंथेसिस में हम ग्वानीन बेस जो है यूज कर सकते हैं, या उसका केमिकल नेम भी आईयूपीएसी नेम आपके पास आ सकता है। तो अब इस ग्वानीन की रिएक्शन हम कराएंगे हेक्सा मिथाइल डाइसिलाजेन से। हेक्सा मिथाइल यहां पर आप देख रहे हैं, तीन मिथाइल ग्रुप यहां है, तीन मिथाइल ग्रुप यहां है, तो इसके लिए हमने हेक्सा मिथाइल यूज किया है। और डाइसिला सिलेन मतलब सिलिकॉन से हमारा ये डाइसिला बना, दो सिलिकॉन है, डाइसिला जेन हम इसका नाम ले रहे हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं। ये एक्चुअल में एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, अभी आप लोगों ने प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में पढ़ा नहीं होगा। एक्चुअल में क्या है, देखिए हमने जो ए साइक्लोविर का स्ट्रक्चर है वो कुछ ये है। अब आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में अगर कंपेरिजन करें तो देखिए चेंज कहाँ पर आया है, सिर्फ चेंज इस नाइन्थ पोजिशन पर आया है कि नाइन्थ का ये एच हट गया और यहाँ पर एक ग्रुप सा लगा हुआ है, ठीक है। यानी हमारी रिएक्शन इस यहां इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर हो रही है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी कहीं पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तो अब क्योंकि ये भी एक एनएच ग्रुप है, ये भी एक एनएच है और यहां पर एनएच टू है, तो भाई रिएक्शन जब हम कराएंगे आगे, मेन हमारा कंपाउंड ये है, इससे हमें रिएक्शन करानी होती है इस ग्वानिन बेस की। तो ये कंपाउंड सिर्फ इस नाइन्थ पोजिशन पर जाकर ही रिएक्ट करे, ये यहां और यहां ना रिएक्ट कर ले, क्योंकि जब हम इस कंपाउंड को यूज करेंगे ये तीनों पोजीशन पर जाकर रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हमें क्योंकि सिर्फ इसी पोजीशन पर रिएक्ट कराना है क्योंकि हमारा कंपाउंड हमें ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके एच और एच को छुपा लेंगे। छुपा लेंगे मतलब कि प्रोटेक्ट कर देंगे हम उसे, मतलब उसे जैसे एक प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ, जैसे हम अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसको हम बचाना है हमें इस ग्रुप को कि ये ग्रुप पर जाकर रिएक्शन ना हो जाए। तो इस ग्रुप को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज कर लेते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, ये एच यहां से निकल जाएगा और यहां से भी एक एच निकलेगा, तो यहां पर नाइट्रोजन बचेगा और यहां पर खाली एनएच बचेगा। और इसके अलावा तो एक एच जब यहां से निकलेगा और एक एच यहां से निकलेगा, दो हाइड्रोजन निकल जाएंगी और एक एनएच है हमारे पास पहले से, तो दोनों हाइड्रोजन अगर यहां जाकर जुड़ जाएंगी तो अमोनिया गैस जो है यहां से निकल जाएगी। तो अमोनिया निकल जाएगी और जो ये एस आई सी एच थ्री ग्रुप है, एक तो इससे जुड़ जाएगा और दूसरा एस आई सी एच थ्री ग्रुप इस एनएच से जाकर जुड़ जाएगा। तो ये प्रोटेक्ट हो गए हैं। अब जब हम रिएक्शन इस कंपाउंड से कराएंगे, क्योंकि अब यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अब रिएक्शन जो है हमारी यहीं पर जाकर होगी, यहां पर होगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहां हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है और हाइड्रोजन की हमें जरूरत है। जब हम इस रिएक्शन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाइड्रोजन की हमें क्यों जरूरत है। तो यहां पर इस दोनों ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने जो है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप को यूज कर लिया। तो रिएक्शन सिर्फ इतनी हुई कि यहां से एक एच और यहां से एक एच और ये एनएच, कुल मिलाकर एनएच थ्री यानी अमोनिया गैस यहां से निकल गई और ये एस आई सी एस थ्री होल थ्राइस यहां जाकर जुड़ गया और एस आई सी एस थ्री होल थ्राइस यहां जाकर जुड़ा। तो यहां तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, हमने नाइट्रोजन से जोड़ दिया और यहां पर एनएच से जुड़ेगा, यहां जोड़ दिया। फिर हम ये कंपाउंड से रिएक्शन, जो हमारा मेन कंपाउंड जिसकी रिएक्शन हमें एक्चुअली ग्वानिन से करानी थी, वो हमने ले लिया और इसका नाम मैंने यहां ऊपर लिख दिया है, टू क्लोरोमिथॉक्सी इथाइल बेंजोएट, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लीजिए ये इतना होता पोर्शन, ये CH2 और ये CH3 होता, तो इसका नाम क्या हो जाता, इथाइल बेंजोएट। ये तो हमारा इथाइल ग्रुप है और ये पूरा ग्रुप हमारा बेंजोएट। अगर आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो वहां से आप इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा। अब इसमें हमने क्या ग्रुप लगा दिया, ये है क्लोरो और ये होता है मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। तो ये क्लोरोमिथॉक्सी ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन हमने इसको कैसे कह रखा, अगर हम इसको नंबर वन दे देंगे और इसको नंबर टू, तो टू पोजीशन पर जुड़ा हुआ है क्लोरोमिथॉक्सी ग्रुप और फिर पूरा नाम हम इसको दे देंगे इथाइल बेंजोएट। और इसकी रिएक्शन हमें इस कंपाउंड से करानी है, इसके प्रेजेंस में ये कंपाउंड क्या है, ट्राई इथाइल एमीन, ये एक बेस की तरह काम करता है और बेस का क्या काम होगा, इस हाइड्रोजन को निकालना। तो बेस इस हाइड्रोजन को जब निकाल देगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और अगर यहां से हम Cl को निकाल दें, Cl हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो इस CH2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन इस CH2 पर अटैक कर देगा, यानी इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये पूरा ग्रुप इस नाइट्रोजन से जाकर जुड़ जाएगा। तो यहां पर
रिएक्शन क्या हो रही है, एक्चुअली मेनली क्या निकल रहा है हमारा, ये एच निकल रहा है और ये सी एल निकल रहा है, तो एच सी एल यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो इसीलिए हमें ये इस एच की ज़रूरत पड़ रही थी कि जब इस ये कंपाउंड इससे रिएक्ट करेगा तो एच सी एल निकलेगा, तो वो एच सी एल यहाँ से भी निकल सकता था और यहाँ से भी निकल सकता था, तो इन दोनों ग्रुप से ना निकले वो एच सी एल और ये कंपाउंड जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ जाकर ना जुड़े, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया। ठीक, तो जब हमने इस बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो ये एच निकलेगा यहाँ से और यहाँ से ये सी एल निकला और ये नाइट्रोजन और इस पूरा ग्रुप जो है यहाँ से जुड़ जाएगा। तो नाइट्रोजन से मैंने यहाँ जोड़ रखा है सी एच टू, फिर ऑक्सीजन तो यहाँ ऑक्सीजन है, फिर दो सी एच टू है तो दो सी एच टू है, फिर ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ तो ये ओ सी डबल बॉन्ड ओ और सी सिक्स एच फाइव। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप आपको तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसका नाम याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर आप खुद से बना सकते हैं, एक बार बस आपकी आंखों के सामने से निकलना चाहिए, मेनली ये है। जितनी बार आप पढ़ेंगे ना अपने आप से आपको रिएक्शन याद होती चली जाएंगी और मैं आपको धीरे एक एक करके वो भी इनकी जहां जहां पर मैकेनिज्म मैं बता सकती हूँ बस वहां वहां बता रही हूँ, बहुत लंबी मैकेनिज्म मैं अभी नहीं बताने जा रही हूँ क्योंकि उसका फिर कोई फायदा नहीं, लेकिन आगे जाके तो जरूरी नहीं है कि आपको एमसीक्यूज ही मिलेंगे, जब आगे सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत मैकेनिज्म का भी आइडिया होना चाहिए। तो यहां पर आपको ने क्या करना है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ये जब निकलेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और बेस जब इस हाइड्रोजन को लेगा तो एच प्लस की तरह निकलेगा, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव और पॉजिटिव जहां भी होंगे बस आपको जोड़ देना होता है दोनों को, तो वो हमने यहां पर ऐड कर दिया। फिर हम क्या कराते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं विद NaOH। अब इससे कराने से क्या होगा, एक चीज यहां पर होगा, देखिए NaOH क्या करेगा, NaOH में क्या हो जाएगा, यहां पर ये ब्रेकेज हो जाती है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां से ब्रेकेज होने का मतलब टूट जाना, तो C6H5COONa ये हमारा यहां पर कंपाउंड जो था निकल के आ जाएगा C6H5COONa। ठीक है, सोडियम बेंजोएट जो है यहां से निकल जाता है और जो बचा Na का साथ OH भी है क्योंकि, तो जब OH होगा वो OH इस CH2 से जाकर यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या ग्रुप जुड़े रहेगा, CH2O CH2 CH2OH, तो यही हमारा ग्रुप है CH2O CH2 CH2OH। ठीक है ना, ये ब्रेकेज यहां हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन जब ये टूटेगा बॉन्ड तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और NaOH में हमारे पास Na पर पॉजिटिव चार्ज है और OH पर नेगेटिव चार्ज है, तो जब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इससे तो पॉजिटिव चार्ज जुड़ेगा यानी Na जुड़ेगा और इस कार्बन पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये OH जो है इससे जाकर जुड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ज्यादातर रिएक्शंस होती ही है। तो ये तो NaOH का काम था। अब हमने हाइड्रोलिसिस कराई है विद NaOH, हाइड्रोलिसिस है तो इसलिए वाटर भी हमने यूज किया हुआ है और वो वाटर क्या कर रहा है, वो वाटर ये कर रहा है कि यहां पर ये ब्रेकेज हो रही है, वाटर में क्या है एच और OH, यही तो होता है वाटर, और एच पर पॉजिटिव है OH पर नेगेटिव है। अब यहां पर क्या होगा, ये फिर यहां से बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सिलिकॉन थोड़ा कम, ठीक है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और सिलिकॉन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब फिर से हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ सकते हैं क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसका पॉजिटिव पोर्शन जो है इससे जुड़ जाएगा यानी N से जो है हमारा H जुड़ जाएगा और CH3SI से OH जुड़ जाएगा, तो ट्राई मिथाइल सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड यहां पर अलग हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे यहां पर भी एक ब्रेकेज होगी, यहां पर भी ब्रेकेज होगी, तो यहां पर भी एक H जुड़ेगा और यहां पर सिलिकॉन से OH जुड़ जाएगा, तो ये यहां बॉन्ड टूटता है और यहां पर बॉन्ड टूटता है और CH3SIOH के दो मोल्स हैं यहां पर निकल जाते हैं, तो वही मैंने यहां बना रखे हैं। और हमारा ये सोडियम बेंजोएट यहां निकल जाता है, तो सोडियम बेंजोएट भी मैंने यहां निकाल रखा है और बस यहां पर NH हो जाएगा और यहां NH2 हो जाएगा, तो ये NH और ये NH2 यहां पर, तो ये हमारी ए साइक्लोविर जो है ये यहाँ निकल के आती है। और ए साइक्लोविर जो ड्रग है वो हम जनरली हम वायरल इन्फेक्शन में, जैसे जो जो बीमारियां मैं बता रही हूँ, एक हर्पीज हमारे पास बीमारी होती है, हर्पीज में क्या होता है आप लोगों ने शायद नाम सुना हुआ भी हो कि मुंह के आसपास या हमारे होठों के आसपास एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम हर्पीज बोलते हैं, तो उसमें भी हम एसाइक्लोविर को यूज कर लेते हैं। या चिकन पॉक्स आपने सुना हुआ, जो चेचक चलती है छोटे बच्चों में, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं तो वो चेचक में हम इसको यूज कर सकते हैं। या शिंगल्स, शिंगल्स होते हैं दाद, जैसे दाद आपने वर्ड सुन दाद खाद खुजली, तो वो दाद जो होता है उसमें भी हम एसाइक्लोविर को यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा एक एंटीवायरल एजेंट्स हैं। तो मैं फिर से आपको एक बार बोल दे रही हूँ कि जितने भी ये मैं यहाँ एजेंट्स जो हैं उनके एग्जाम्पल्स यानी उनकी दवाइयों के नाम आपको याद होने बहुत जरूरी है और उनका स्ट्रक्चर भी आप याद कर पाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज तो हम ये सिर्फ दो ही टाइप के एजेंट्स पढ़ रहे थे, एक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल और ये दूसरा था एंटीवायरल। फिर कुछ और एजेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।